हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ज्योति किचन में। आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ तोरी की रेसिपी। लेके आई हूँ, कुछ अलग तरह से बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर तोरी को अच्छे से क्लीन करके और इसका जो छिलका होता है ना, आपको नॉर्मली हटा लेना है। हटाने के बाद इसको पानी से आपको धो के एक प्लेट में रख लेना है फ्रेंड। और मैंने एक साइड इसका तोरी का मैंने फ्लावर्स रखी हूँ फ्रेंड। इस फ्लावर्स को चटनी भी बना सकते हैं, अदरवाइज इसको आप सब्जी में डाल के बना सकते हैं। सरसों मसाला में काफ़ी टेस्टी यम्मी लगता है फ्रेंड। सो आज मैं आपको बताऊंगी सरसों मसाले में तोरी और तोरी के फूल की रेसिपी कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जार में लहसुन का कली ले ली हूँ, सूखा लाल मिर्च, और आपको यहाँ पर पीला वाला सरसों लेना है। इसको मैंने हल्का सा पानी डाल के इसको आपको पीस लेना है फ्रेंड। पीसने के बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई हूँ, कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल ली। तेल काफ़ी गर्म करने के बाद आपको इसमें फूल को डाल के इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक आपको गैस को लो करके आपको भून लेना है। भूनने के बाद मैंने यहाँ पर तोरी को डाल के इसको चला लेना है। 15 से 20 मिनट तक पकने के बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले पिसा हुआ मसाला डाल ली हूँ, 1 चम्मच हल्दी डाल ली हूँ, नमक डाल ली हूँ। इन सबको डालने के बाद इसको चला कर इसको कवर करके आपको रख देना है फ्रेंड। और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, क्योंकि तोरी में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से गल चुका है हमारा सब्जी। इसको फिर से 15 से 20 मिनट तक गलने के लिए आपको छोड़ देना है कवर करके, और आपको बीच में इस सब्जी को चलाते रहना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रेसिपी काफ़ी अच्छे से रेडी हो गया है। आप इसको फ्रेंड घर पर इजीली बना सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा सरसों मसाला में तोरी और तोरी के फूल की रेसिपी कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आपको कैसी रेसिपी आपको लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अपने फ्रेंड लोग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।